व्यक्ति न देख करके अपने मना स्थिति को देखें। प्रयास हमेशा अच्छा का होता है, प्रसाद देना कम समय का होता है। प्रतिष्ठा, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा के दौड़ में परोपकारिक वृत्ति का जन्म हो, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास जीवन आशा हॉस्पिटल के रूप में किया जा रहा है, जिसमें लक्ष्य मानवीय सेवा का है। आचरण को परिमार्जित करने की बात करता है, लेकिन मनुष्य की मानसिक कमजोरी जब धर्म के आचरण को न स्वीकार करके केवल आवरण के आधार पर चलती है तो विकृति का नाश नहीं होता, मात्र संस्कृति की जानकारी होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने बौद्धिक ज्ञान को आचरण में परिवर्तित करने के लिए धर्म के शब्दों को सुने और अपने कृत्य में परिवर्तित करें। ताकि उसके जीवन में भी सुख और शांति का आगमन हो और उसके व्यवहारिक प्रवृत्ति के माध्यम से अन्य लोगों का जीवन भी सुखमय व्यतीत हो सके। उसी के पुरुषार्थ के लिए, अक्षम लोगों को सक्षम बनाने के लिए पहला यह दिव्यांग हॉस्पिटल बनाने का प्रयास किया है, जो परमात्मा की आराधना के साथ उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अहिंसा का उद्घोष करेंगे। आप अभी जैसे पंडित जी बोल रहे थे कि ये एक शारीरिक त्रुटि है, न कि ये अभिशाप है, जबकि हमारे जो प्राचीन वो है पुराण वगैरह उनमें इसको एक तरह से अभिशाप माना गया है कि ये पूर्व जन्मों के कारण ये व्यक्ति जो अपने कर्मों से इस तरह से वो बनता है। तो ये थोड़ा दो तरह का वो है इसमें, कि थोड़ा क्लियर हो। भय सुधार का द्वार खोलता है। अच्छा। इसलिए पुराने जमाने में शास्त्रीय आधार पर कर्म की व्यवस्था दी गई थी, इसलिए उसे अभिशाप कहा गया था, लेकिन वर्तमान में साधन उपलब्ध हो गए हैं, इसीलिए कहा जाता है कि अब विकलांगों को सहानुभूति की आवश्यकता नहीं, सहयोग की आवश्यकता है। उन अक्षम को सक्षम बनाए और उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। मानवीय धर्म उनमें कठिनाई क्यों आती है, इसका कारण क्या? वो सबसे ज्यादा उन्हीं आती है और जो अपने आचरण से दूर विपरीत करते हैं वो इसका कारण आज के स्वाभाविक है। चढ़ाई पर चढ़ने में ताकत लगे कि ढाल पे तो कोई भी गिर जाए, तो पतन का जो मार्ग है वो ढाल है, गिरने के लिए ज्यादा पुरुषार्थ की आवश्यकता। एक महाराज जी, अब हालांकि वो धर्म से जुड़ा है, उसको राजनीति से अन्यथा ना दें। अब राजनीति में भी बहुत साधु संत आ रहे हैं, ऐसे तो लोग जो अपने जनक जी को भी अद्भुत बताते थे, तो क्या राजनीति से धर्म लोगों को अलग रहना चाहिए? राजनीति एक माध्यम है, धर्म के विस्तार का भी। जी,
इसलिए प्राचीन समय में कभी कभी राजर्षि भी बनाए जाते थे। लेकिन पहले राजतंत्र था इसलिए राजर्षि मान्य थे, अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसे जिसने सत्ता सौंप दी जनता का निर्धारण ही है।